नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। तेज प्रताप यादव ने सुबह सुबह ये संकेत दिए थे कि वो दो लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आई थी, अचानक से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। तमाम मीडिया के लोग वहां पहुंचे थे उसको कवर करने के लिए। और अभी अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि लालू यादव के परिवार में बड़ा घमासान सामने आया है। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के दो तमाम पद हैं उससे इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लिखा है कि छात्र राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षण के पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। नादान हैं वो लोग जो मुझे नादान समझते हैं। कौन कितना पानी में है सबकी है खबर मुझे। ये ट्वीट उन्होंने किया है और साथ ही अपने जो फेसबुक ऑफिशियल पेज है, जो वेरीफाइड पेज है, उस पर भी उन्होंने इसी बात को लिखा है। देखिए, ये उनका फेसबुक का पेज है और यहाँ पे लिखा है कि छात्र राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक के पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। नादान है वो लोग जो मुझे नादान समझते हैं। कौन कितना पानी में है सबकी है खबर मुझे। और इसको कुछ ही मिनटों में 600 से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है और 32 से ज्यादा शेयर और 85 से ज्यादा कमेंट्स अब तक आ चुके हैं। तेज प्रताप यादव लोकसभा चुनाव पर अब तक चुप थे। अचानक से खबर आई थी कि सिवहर और जहानाबाद में वो अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। खबर ये भी थी कि परिवार के दबाव में उन्होंने अचानक से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रद्द की। तमाम मीडिया के लोग वहां पहुंचे हुए थे आरजेडी दफ्तर में। और अचानक से जो ट्वीट या फेसबुक वॉल पर उन्होंने लिखा है उसे इस बात का साफ संकेत जा रहा है कि उन्होंने एक तरीके से, क्योंकि परिवार से अलग तो रह ही रहे थे, अब उन्होंने पार्टी से भी खुद को अलग कर लिया है और जो जिस पद पर वो थे उससे इस्तीफा दे दिया। अधिक अपडेट्स के देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।